गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है हमारे पास इम्पोर्टेंट, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है वो लंदन के चुनाव के बारे में बात की गई है, मतलब ब्रिटेन के चुनाव के। यहाँ से कुछ खास पॉइंट, हालांकि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, लेकिन कुछ खास नहीं निकलता है। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है, रिज्यूमिनेटिंग मतलब रिवाइव करने की बात इकोनॉमी को की गई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। और एक बात और, जो पुराना आर्टिकल हमारा है, मतलब एक सप्ताह पहले से कुछ आर्टिकल बचे हुए हैं, धीरे धीरे सारे को कवर कर लेंगे, बाकी डिस्कशन हो ही रहा था तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेकेंड, यहाँ पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार। असल में हम लोगों ने बहुत दिनों से एक न्यूज़ देख रहे थे, यूएसए और चाइना दोनों फाइटिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रेड में ट्रेड फाइटिंग चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर समझौता हुआ है, और यूएसए की डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आपको पता ही है किस तरह से, तो आप ये एक सुधरता हुआ रिश्ता आप कह सकते हो, तो बस इस बात को आप मेंशन कर सकते हो। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं मेजर करती है, तो शायद अब रिवाइव हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, ये सागरवाणी एक ऐप है, हालांकि ये लॉन्च किया गया है, इसके अंदर क्या है आप जानते हो, फिशरमैन वगैरह को बहुत ज़्यादा आसानी होगा इन सब चीज़ों के लिए सागरवाणी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो रिवाइव ऑफ इकोनॉमी की बात की गई है। यहाँ पर रिवाइव ऑफ इकोनॉमी की बात ये की गई है कि जो शॉर्ट टर्म में डिमांड इन द इकोनॉमी के अंदर जो बढ़ा है, मतलब घटा है इकोनॉमी का डिमांड घटा है, बिजनेस स्लो डाउन हुआ है ग्लोबल, इसका रीजन देखो, रीजन मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहला रीजन आप मान के चलो, जीडीपी ग्लोबली डिक्लाइन हुआ है 4.5 से, मतलब ग्लोबली तो बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन 4.5 से भी नीचे हमारा भारत का आ गया है। इनकम प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी है। तीसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल जॉब भी एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी के स्लो डाउन का। नॉट स्टेबल जॉब भी नहीं है, और गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से फैल रहा है, जब तक जॉब है तब तक है, नहीं तो कंपनी बाहर निकाल दिया, ये गिग इकोनॉमी का खासियत होता है। अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, और लैंड में प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, मतलब जो भी पॉलिसी है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकुनाज हो रहा है, तभी तो ये हमारा इकोनॉमी दिक्कत हो रहा है। कहने का मतलब यह है, गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन किया, उस डिमोनेटाइजेशन का भी कहीं कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। बैंकों का एनपीए भी एक बहुत बड़ा रीजन है, लैक ऑफ सेंटीमेंट्स भी है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो ही जो है सो कंज्यूमर के हिसाब से रेपो रेट कभी मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। तो दूसरा, क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर वेरी बैड एग्रो एंड कोस्टल रीजन में जिस तरह से फ्लड का सिचुएशन आ रहा है, फ्लड आया है केरल में, आया है बिहार में, आया है, ये भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट रूप से इकोनॉमी को दिक्कत करता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, लैंड रिफॉर्म हो गया, लेबर रिफॉर्म हो गया, लॉज को हालांकि अमेंडमेंट तो किया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा का सारा प्रॉब्लम है। तो इसमें करना क्या चाहिए, अगर रिफॉर्म की बात करें तो ये सारा कुछ तो है ही, नीड कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स पहला। अगर दूसरा बात करें तो इन्फ्लेशन टारगेट जो हमारा 3% के आसपास है, इसको भी रिवाइव करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना चाहिए। चौथा पॉइंट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। पांचवा पॉइंट, आरबीआई इस तरह की पॉलिसी ले जैसे रेपो रेट हो, चाहे और भी रेट जो होते हैं मॉनेटरी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आप कह सकते हो, इसको सही से वो मैनेज करे, और उसके बाद जो है सो फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा 3% के आसपास, इसको भी सही करे, और जीएसटी का जो प्लेटफॉर्म है इसको ईजी किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स जीएसटी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।